हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो ना। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। और आपको पता है कौन कहता है यार मकर संक्रांति में ही दही चूड़ा खाया जा सकता है, तिल तिलकुट खा सकते हैं आदमी? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे को कुछ जब भी ये मन करे आप घर पे आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं मतलब खास करके उसी दिन नहीं खाती जिस दिन मेरे को ये सब खाना होता है। और ये जो आपको लगता है कि ठंडी में ही सिर्फ खानी है, ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन अगर क्वांटिटी में आप खाओ तो आप गर्मी में भी खा सकते हो। तो इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया था 250 ग्राम काला तिल और 250 ग्राम व्हाइट वाला तिल, और इसके लिए मैंने लिया था 1 kg गुड़। और आप ड्राई फ्रूट्स वाला भी बना सकते हो और गुड़ वाला भी बना सकते हो, जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे सब कर लो, ठीक है। तो खाने पीने में ऐसा कुछ कंजूसी मत करो, ठीक है, क्योंकि हेल्थ ही जो है आप लोगों के पास रहने वाला है, बाकी कुछ तो रहने वाला है नहीं। तो इसके लिए ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा ले लिया, जो आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हो। मेरे पास जो भी थी मैंने ले लिया, इसमें डाल करके खा ले तो खा सकते हैं, ऐसे तो मेरा खाने का मन नहीं करता है। तो क्या हुआ था कि मम्मी ने बोला चलो हम बना देते, क्योंकि मेरे को बनाने आती नहीं है, इतनी बुद्धू हूँ मैं, बुद्धू बोलूँ क्या बोलूँ, छोड़ो। ये सबको रोस्ट करने के बाद, ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद इसको आप बेलन से कूट दो पूरा अच्छे से, मिक्सी में मत पीस देना वरना तेल ही निकल जाएंगे बाहर। इसके बाद मम्मी ने तेल को भी अच्छे से, सॉरी तेल नहीं, तिल को भी अच्छे से भूंज लिया था। इसके बाद गुड़ का जो, उसको क्या बोलते हैं, गुड़ को पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे जो ये दिख रहा है आपको, ये मम्मी ने कर लिया था। एक तार की चाशनी बना रही थी मम्मी और मेरे को तो तलब हो रही थी कि कब मैं लड्डू बनाऊं। इसी वजह से पता है क्या हुआ, आगे देख लेना क्या हुआ। इसको बनाने के लिए मम्मी ने इसको मतलब खोला रही थी, तब तक मैंने बोला दूसरा वाला तिल तैयार करते हैं ताकि मैं इसको बांध दूं और एक तरफ वो काला वाला बन जाएगा। तो मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं हड़बड़ाओ मत, इसके चक्कर में आपको बता नहीं सकती। इतनी वाट लगी थी यार, इतनी डांट पड़ी थी, देख लो डांट पड़ने के बाद अपना ही थोड़ा देख रही थी। सो पता है क्या हुआ, यहाँ पे गुड़ बना नहीं था अच्छे से और मैंने हड़बड़ा दिया था, तो मम्मी ने, मम्मी को भी मतलब थोड़ा सा नर्वस हो गया था, तो हो गई थी, तो इसमें गुड़ डाला। गुड़ डालने के बाद पता आपको, आप देख लो मम्मी ने बहुत डांट लगाई थी कि तुम हो ना तो जरूर ये खराब होने वाला है वीडियो के चक्कर में। कौन कर मम्मी से डांट सुनता है यार वीडियो के लिए, आपको पता नहीं वीडियो में कैसे कैसे बनाती हूँ, बहुत डांट पड़ती है। ये सब होने के बाद देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बंधेगा ही नहीं यार ये देखो 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 देखो, नहीं बंध रही ना। और मेरे को डांट के चक्कर में मैंने बोला बंध जाएगी, नहीं बंधी। मम्मी ने भी बांधा, नहीं बंधी रही थी, देख लो नहीं ना बंधी। तो मैंने बोला चलो चलो दूसरा ट्राई करते हैं, मम्मी ये बंद जाएगा। तो इसको और ज्यादा मैंने देर तक सुखाया था पानी को, उसके बाद इसमें सारा डाल दिया था, वो ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया था, उसके बाद ये बहुत मस्त बननी थी यार, देख लो मैंने ही बनाया था। मम्मी ने बोला था कि तुम ही करो अब ये, मम्मी वो वाला लगाने गई थी वो फर्श पे, मतलब तेल वगैरह लगा करके घी वगैरह उसको डाल दी थी ताकि वैसे हो जाए, और ये मैंने देखो लड्डू बनाया था, बहुत अच्छा बना था। मम्मी डांटती है तो क्या हुआ, मैं काम करती हूँ। देखो मम्मी ने बनाया था और जल्दी, पता इतना गर्म था यार, मतलब फटाफट चटने लग रहा था, बार बार कढ़ाई को चढ़ाया जा रहा था, फिर उतारा जा रहा था, चढ़ाया जा रहा था। एक टाइम तो मैं पक्का सीख लूंगी और सीखने के बाद मम्मी को बना के जरूर खिलाऊंगी, ठीक है। आप लोगों को भी खाना होगा तो बता देना, अगली बार मैं खुद का रेसिपी बताऊंगी और आपको बता, तिल वगैरह मैंने कुछ भी नहीं खाया मकर संक्रांति में। वैसे भी मैं दूध चूरा खाती हूँ, दही नहीं खाती हूँ। ये अच्छे से बंद रहे थे, मेरे पापा भी थोड़ा बहुत भाषण चालू कर दिए थे, बोल रहे थे हाँ हाँ यही लगी रहो, सब यही करो, खाना वाना बनना है नहीं तो यहाँ पे देखो बन के कैसे दिख रही है लड्डू। इस लड्डू खाने के लिए बहुत डांट पड़ी है यार, आप लोग भी खा लो, देख लो किस किस को तिल के लड्डू पसंद है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। और अब वीडियो ये देखो इसका क्या हाल है, काला वाला तिल काला ही रह गया यार, इसमें गुड़ और ज्यादा डाल करके मम्मी ने ऐसे उखाड़ा तो सब टूट गया। और इसको खाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत खाया है मैंने। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज यार कमेंट करके बताओ कैसा था।